हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका इस प्रयाग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने जो विश्वास हमारे प्रति दिखाया है वो बहुत ही सराहनीय है और उसके प्रति हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। आइए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंपॉर्टेंट किस लिए? क्योंकि इस लॉज के थ्रू हम सीखेंगे कि हमारी अर्थ सन के अराउंड किस तरीके से रिवॉल्व करती है, अर्थ का जो मोशन है वो किस तरीके का है, इस चीज को हम समझेंगे। प्लस ये जो लॉ है, ये जब बॉडी में आया उससे पहले की चीजें क्या थी, क्या इसके पीछे की थोड़ी सी हिस्ट्री थी, किन किन साइंटिस्ट ने इसके लिए कुछ अच्छा काम किया था, कुछ के नाम हम लोग लेंगे और एक चीज देखेंगे कि एक लॉ को बनने में कितना समय लगता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। आइए चेक करते हैं, देखते हैं सबसे पहले उसी को। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं इसके बारे में कि केपलर ने कितने लॉज दिए थे। इन्होंने 3 लॉज दिए थे। पहले फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकंड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ एरिया, या इसे एरियल लॉ, किसी किसी बुक में लिखा होता है एरियल लॉ, ठीक है, ज्यादातर लॉ ऑफ एरिया के नाम से ही मिलता है। थर्ड लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। ओके, ये 3 लॉज थे। इन तीनों के बारे में हमें बारी बारी से पढ़ना है, तो जिसको आज जो हम डिस्कस करेंगे वो केवल फर्स्ट लॉ रहेगा। लेकिन इससे पहले आइए थोड़ी सी हिस्ट्री इसके बारे में देख लें। हिस्ट्री में क्या है? एक टॉलमी नाम के एस्ट्रो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 200 साल पहले एक चीज, एक्चुअली देखो पूरी कहानी क्या थी जानते हो? कहानी ये थी कि पहले लोगों का ये मानना था कि जो हमारी अर्थ है वो इस पूरे यूनिवर्स का सेंटर है, यानी अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये मानते थे। और ये टॉलमी ने बताया था कि अर्थ क्या है, अर्थ हमारी सेंटर है पूरे यूनिवर्स का, और इस थ्योरी को बोला गया जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियोसेंट्रिक थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग ये माना गया कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी सभी प्लैनेट अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। और जनरली हमको देखने में भी ऐसा लगता है कि सन इधर से निकला उधर गया। क्लियर है ना? सन क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है अर्थ के। ऐसा देखने में तो हमको ऐसा ही लगता है ना कि सुबह सन सूर्योदय हुआ, फिर दोपहर में सन ऊपर चला गया, फिर सनसेट हो गया। ओके, तो उसी को ऑब्जर्व करके इन्होंने बताया था कि ये यूनिवर्स जियोसेंट्रिक है। बाद में आर्यभट्ट ने बताया था, आर्यभट्ट साइंटिस्ट अपने यहां के, इंडिया के साइंटिस्ट, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने इसमें काम नहीं किया है, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ओके, 0 सभी को याद ही होगा, आर्यभट्ट ने दिया है। ओके, आइए देखते हैं आर्यभट्ट ने क्या बताया। आर्यभट्ट ने बताया था कि कई सारे लॉस भी थे, और एक चीज इन्होंने बताया था कि अर्थ, खूब ध्यान समझिए, इस बात को इन्होंने गलत साबित किया कि जियोसेंट्रिक नहीं होता, ये जो यूनिवर्स है ये आपका हीलियोसेंट्रिक है। क्या है? हीलियोसेंट्रिक है। हीलियोसेंट्रिक का मतलब क्या है? सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, यानी सभी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, अब खूब ध्यान से समझिए। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत क्या थी कि हमारे पास पहले इतनी सुविधा नहीं थी कि जो हमारे पास जानकारी है हम उसको सर्कुलेट कर पाए। ओके, इस वजह से इनका जो ये बताया हुआ बात है ये बहुत फैला नहीं। लेकिन यूरोप की तरफ बहुत ज्यादा काम हो रहा था, उधर बहुत तेजी से ये चीजें फैल रही थी। इसके बाद कोपरनिकस एक फिलोसोफर थे, ये कोई साइंटिस्ट नहीं थे, ये एक फिलोसोफर थे। इन्होंने भी यही बात बताई कि
ये जो सन है ना, ये सन पूरे यूनिवर्स का सेंटर है एंड एवरी प्लेनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये भी हीलियोसेंट्रिक के पक्ष में थे। ठीक है, किसके पक्ष में थे? हीलियोसेंट्रिक के पक्ष में थे। और इस बात को गैलीलियो ने बहुत प्रसार किया, बहुत फैलाया, क्योंकि गैलीलियो की इमेज बहुत अच्छी थी। गैलीलियो बहुत ही महान आदमी थे, इवन सबसे ज्यादा लॉज इन्होंने दिए हैं यूनिवर्स फिजिक्स में, बहुत लॉज दिए हैं। एक तो आपने पढ़ा ही है लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो ने दिया था, क्लियर। तो गैलीलियो की इमेज बहुत अच्छी थी, तो गैलीलियो ने इनकी बात को लेकर बहुत फैलाया और बहुत बताया। फिर बाद में कुछ कंडीशंस थे इनके साथ, वहां के जो चर्च थी वो इनसे नाराज हो गई, बाद में इनका जीवन बहुत ही गड़बड़ बीता। लेकिन उसके बाद काफी दिन तक सारी चीजें ठप रही, कुछ नहीं चला। उसके बाद गैलीलियो से बहुत प्रभावित होकर के टाइको ब्राहे नाम के एक साइंटिस्ट रहे, इन्होंने किया क्या कि केवल और केवल अपना जीवन ऑब्जर्वेशन में लगा दिया। बस ये बैठ करके रोज क्या करते थे कि जितने भी स्टार्स हैं, प्लैनेट्स हैं, वो क्या मूवमेंट कर रहे हैं उसको देखते थे और देख करके डाटा नोट करते थे। पूरा थ्योरी भर दिया, पूरा घर थ्योरी से, पूरा डाटा डाटा, पूरा घर भर दिया इन्होंने केवल, और किया। लेकिन इनका लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा नहीं रहा, ये लगभग करीब 50 ईयर्स के अप्रॉक्स ही रहे, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो इस वजह से इनका नाम तो बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं आता है, लेकिन इनका जो काम था ना, सभी के तो मतलब लॉस थे, थ्योरीज थे, बहुत सारी बातें थी, लेकिन इन्होंने डाटा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। इस डाटा का यूज किया जॉनस कैपलर ने, और कैपलर ने उस डाटा को यूज करके 3 लॉस दे दिए, जिसको हम पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ, एक को सेकेंड लॉ और एक को थर्ड लॉ, जो कि अभी जस्ट इसके पहले मैंने आपको बताया। तो कैपलर के तीनों लॉस जो थे ना, बेसिकली किस पे बेस्ड थे? टाइको ब्राहे के जो डाटा था, जो एनालिसिस था, उसके बेस्ड पे कैपलर ने ये तीनों लॉस दिए। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे आया। अच्छा, ये एक बात, खास बात, ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं ना, पता है आपको कैपलर ने ये जो लॉस दिए थे, इसके बहुत साल बाद ग्रेविटेशनल लॉस बॉडी में आया, क्लियर। वो इसी से निष्कर्ष निकाल करके न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन बहुत ही महान आदमी, बहुत महान आदमी थे, बहुत ज़्यादा दिमाग, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल पर्सन आप बोल सकते हैं। जितना आप लोग जिसके जिसके बारे में नाम सुने होंगे ना, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन में आप न्यूटन को गिन सकते हो। उन्होंने किया क्या कि सारे लॉस को लेकर के लॉस लिया, इससे क्या निष्कर्ष निकला, उसको प्रूफ किया, दिखाया, बताया, समझाया। और वो वही कर सकता है इन बातों को क्लियर जो कि बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया हो, उसे हर चीज़ के बारे में बहुत पता हो, तब जाकर के वो चीजों को बता सकता है। जैसे हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा था, तो वो लॉज ऑफ मोशन जो बॉडी में है कब आया? जब लॉ ऑफ इनर्शिया बना। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया? गैलीलियो गैलीली ने। उसको लेकर न्यूटन ने एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो कि इस वीडियो का मोटिव था कि हम आपको फर्स्ट लॉ के बारे में बताएंगे। ये तो बस जस्ट नॉलेज के लिए हमने आपको बताया कि किन किन साइंटिस्ट और फिलोसोफर का इसमें योगदान रहा, इस लॉ में। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि कैपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या है, इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसको समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको ये फिगर दिख रहा होगा, इसमें एक ये प्लेनेट है, ये रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ पर, ये कुछ सर्कल जैसा दिख रहा है, चपटा सर्कल ना। इस चपटे सर्कल को हम लोग बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं? एलिप्स, एलिप्स बोलते हैं। अब खूब ध्यान से इस चीज को समझो। इन्होंने फर्स्ट लॉ जो यह है, पहले मैं स्टेटमेंट बोल देता हूं, फिर बारी बारी से एक चीजों को देखते हैं। फर्स्ट लॉ में इन्होंने बोला कि एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन, यानी सभी प्लेनेट
सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी कैपलर्स लॉ बेस्ड है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी पर। हीलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या है कि सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स। ओके, पहला चीज इतना ही पढ़ने से हमको ये क्लियर हो गया, यानी ये भी इसी के पक्षधर हैं। ओके, आइए देखते हैं। एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एलिप्टिकल पाथ। सभी प्लेनेट सन के चारों ओर एक एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और सन विद द सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई दोनों बोला जाता है, जो आप प्रेफर करें या जो आप प्रोनाउंस करते हो। तो सन जो होगा इस एलिप्स के दो फोकाई में से किसी एक फोकाई पर होगा। मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आया, क्योंकि इस पूरे लॉ में सबसे बड़ी दिक्कत है ये एलिप्स क्या है, यही हमको आइडिया नहीं रहता। तो आइए सबसे पहले हम लोग एलिप्स देखते हैं कि एलिप्स क्या चीज है। देखिए, एलिप्स मैं आपको बना के दिखाता हूं। देखिए कैसे बनता है एलिप्स, आपको समझ में आएगा। करना क्या है आपको, सिंपली दो पॉइंट लेना है। क्या लेना है, दो पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दे दो F1, इस पॉइंट को नाम दे दो F2, और इन दोनों पॉइंट से एक को ध्यान समझना, एक हमने धागा लिया थ्रेड, और थ्रेड का एक एंड F1 पे और दूसरा एंड F2 पर ज्वाइन कर दिया। को ध्यान से समझो, दो पॉइंट हमने कंसीडर किया F1 F2, और थ्रेड का एक एंड, धागे का एक एंड हमने F1 पे लगा दिया, दूसरा एंड इस पे। ओके, और धागे में ऐसे पिन फंसा करके यहां पे ऐसे सेट कर लिया, यानी ये और ये, इसको अगर मैं L1 बोलूं, इसको L2 बोलूं, तो L1 क्या है, धागे, L1 और L2 क्या है, धागे की पूरी लेंथ। L1 प्लस L2 क्या बता रहा है हमको, लेंथ ऑफ थ्रेड। ओके, अब इसको यहां पे ऐसे फंसा करके अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, तो ये कुछ इस तरीके से हमको दिखना चाहिए। ये कैसे बनेगा, अब देखो। हाँ, ये देखिए, ये एक्स पॉइंट जो है ना, वो हमारा पिन है, और ये उसी धागे में फंसा हुआ ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, और इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर हमको बना हुआ दिखेगा ना, ये स्ट्रक्चर मिलता है एलिप्स का। और ये जो दो पॉइंट है जिसपे हमने धागे की ये दोनों इंड, थ्रेड के दोनों इंड हमने फिक्स किए हैं, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकाई, FOCI, फोकाई, या फोकस भी बोलते हैं। तो ये F1, F2, और ये जो S है ना, ये सेंटर है, ये इस पूरे एलिप्स का क्या है, सेंटर है। इसको आप इस तरीके से देखें, ये F1 वही पॉइंट है, ये F1 वही पॉइंट है जिस पे हमने थ्रेड को टाइट किया था, बांधा था, और पिन को ऐसे फंसा करके ऐसे ड्रॉ किए, तो हमको ये पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। ओके, और ये वाला पॉइंट है हमारा इस एलिप्स का सेंटर। ओके, चलो ये एलिप्स अगर ध्यान से देखो तो चपटी है, मतलब ऐसा कि जैसे सर्कल रखा हो, सर्कल को रखकर हमने इसे दबा दिया, तो होगा क्या, इसका एक एक्सिस तो बड़ा होगा, लेकिन दूसरी वाली एक्सिस क्या होगी, छोटी होगी। तो ये जो छोटी वाली एक्सिस है ना, ये वाली, ये एक्सिस, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। और ये जो बड़ी वाली, ये आप देख रहे होंगे, ये बड़ी वाली जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और इसी एक्सिस पर ये जो तो पॉइंट हमको दिख रहा है ना, ये एक पॉइंट, ये F1 और ये दूसरा पॉइंट F2, इसको हम लोग बोलते हैं फोकाई या फोकस। ओके, तो लॉ हमने क्या पढ़ा कि एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ। मतलब अगर मैं कहूं कि हमारी अर्थ इस एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रही है, यानी ऐसे रिवॉल्व कर रही होगी, ऐसे, और ये इस तरीके से ऐसे रिवॉल्व करेगी, इसी एलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व कर रही होगी, ऐसे ऐसे, क्लियर है। और जो सन होगा, या तो इस वाली फोसाई पे होगा, या तो इस वाली फोकाई पे होगा, या तो F1 पे होगा, या तो F2 पे होगा। इसी को बोलने का ढंग क्या है कि एवरी प्लेनेट मूव्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल पाथ।
एंड द सन विल बी एट वन ऑफ इट्स फोसाई. वन ऑफ इट्स फोकाई का मतलब क्या है? दोनों में से किसी एक, इस पर भी हो सकता है, इस पर भी हो सकता है. क्लियर? तो आई होप अब आपको एकदम से क्लियर होगा कि क्या है कैपलर्स लॉ. देखिए यहां पे ये हमारी प्लेनेट है और ये प्लेनेट हमारी रिवॉल्व कर रही है. ये किस पाथ में रिवॉल्व कर रही है? एक एलिप्टिकल पाथ में. और जो सन है वो सन हमारा कहां पे है? वो सन है हमारा एक फोकस पर, वन ऑफ इट्स फोकस. ओके, यही है फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ में हमें दो बातें पता चली कि सन की पोजीशन कहां होती है प्लैनेट्स के लिए. तो सन की पोजीशन होती है कि जो प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट हो, वो जिस एलिप्टिकल पाथ में रिवॉल्व कर रहा है उसके किसी एक फोकाई पर सन होगा. किसी एक फोकाई पे क्या होगा? सन होगा, पहली बात. दूसरी बात हमको यह पता चला कि सभी प्लेनेट जो मूव करते हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते. खूब ध्यान से समझो, यह भी बात सब लोग मानते हैं ना कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं. नहीं, जो अर्थ है हमारी या कोई भी प्लेनेट है वो सन के चारों ओर इलेप्टिकल पाथ में रिवॉल्व करता है. यही मेन बात है इसमें. क्या? इलेप्टिकल पाथ में वो रिवॉल्व करेगा, ठीक है. और सन की जो पोजीशन होगी वो वन ऑफ इट्स फोकाई ये होगी. आई होप ये सेशन आपको लाइक पसंद आया होगा. आप इसे जरूर लाइक करेंगे और ये समझ में आया होगा कि इसका क्या मतलब है. मैंने कोशिश किया कि आपको एलिप्स भी समझ में आ जाए इसके साथ साथ. एलिप्स हालांकि बहुत कुछ इंटर में है, उसको आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है. बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने देना चाहा इसीलिए एलिप्स का. आई होप ये सेशन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा और आप जल्दी से लाइक कर देंगे, जल्दी से शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. थैंक यू वेरी मच.